जी बच्चों, अब आप लोग अगले सफ़े पे आ जाएं, सफ़ा नंबर 80 पे। ये इस सबक का आखिरी सफ़ा है, इसमें हम सवाल नंबर 8 करेंगे। इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में जो अल्फाज आए वो अंडों पे लिखें। ये चिड़िया है, ये उसका घोंसला है, ये उसका घोंसला है, इसके अंदर उसके बच्चे हैं, चूजे हैं, जो उनको चिड़िया उनको खाना खिला रही है। तो अब आप लोग इस तस्वीर को देख के जो भी अल्फाज आपके दिमाग में आपके जहन में आते हैं वो आप इन अंडों में लिखेंगे। हमने आपकी मदद के लिए कुछ अल्फाज इसके अंदर लिख दिए हैं, लेकिन आप इनसे मुख्तलिफ अल्फाज भी लिख सकते हैं। जी, पहले अंडे में हमने लिखा है चिड़िया, इस तस्वीर में एक चिड़िया बनी हुई है, भूख, खुराक, बच्चे, घोंसला। हमने इस तस्वीर को देख के कुछ अल्फाज, 5 अल्फाज यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन आप इससे मुख्तलिफ अल्फाज भी लिख सकते हैं। ऊपर लिखे गए अल्फाज की मदद से 2 सितरे लिखें। 2 सितरे का मतलब है 2 लाइनें लिखें। आपने इस तस्वीर को देख के 2 लाइंस लिखनी है, ये भी लाइंस आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपकी मदद के लिए इसमें लिख दी हैं। आप इनसे मदद भी ले सकते हैं और खुद भी लिख सकते हैं। चिड़िया घोंसले में रहती हैं, चिड़िया घोंसले में रहती हैं, चिड़िया ने अपने बच्चों को रोटी का टुकड़ा खिलाया। ठीक है, इसके अलावा भी आप कोई और जुमले भी बना सकते हैं जो यहाँ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अमली सरगर्मी, जमात में अपनी कोई नेकी बताएं जिससे किसी को राहत मिली हो। अब आप लोग जमात में तो नहीं है, घर में हैं, तो घर में अपने बहन भाइयों को कोई नेकी बताएं जिससे किसी को राहत, यानी कि किसी को आराम मिला हो। राहत का मतलब होता है आराम। सवाल नंबर 10 है, अपने अम्मी अब्बू से पूछें कि जन्नत कैसी होती है और जमात में आके साथियों को बताएं। तो अब आप जमात में तो नहीं आ सकते, तो आप अपने अम्मी अब्बू से पूछें कि जन्नत कैसी होती है और फिर उसको अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों को बताएं। ओके ओके बच्चों, आप लोगों का आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। आज इसका, इस चैप्टर का आखिरी सबक था। आपने इस सबक को अच्छे तरीके से याद करना है, इसका किताब का काम किताब पे करना है, और सवाल जवाब और अल्फाज मानी आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको याद करने हैं। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह।